देखो एक ही वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, एक छोटा सा राजकुमार, एक गाय और एक भैंस। भैंस बोल रहे हो आप हमें किसे? आप समझदार हो यार बहुत यार। गाय आ गई थी, सोचा ये कल का खाना वाना बचा था तो खिला देते हैं गाय को। वो इतना सारा खा जाएगी वजह से। खा लेगी गाय, खा लेती है। हैरी हाथ आ गई, हाथ तो वो भी आ जाएगा ना इसके अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे खेत में, वहां से मैं आ चुकी हूँ। एंड अभी दूध लेना था मॉर्निंग में, 1.5 किलो गाय का एंड 1.5 किलो भैंस का। तो हम तो चले गए। यहाँ पे पता कैसा सीन है, जब आप कहीं और रहते हो तो आपको किसी को कह के जाना पड़ता है कि भाई ये कर देना हमारा, वो कर देना हमारा। और जो अपना घर होता है ना, जहाँ पे आप प्रॉपर रहते हो, कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है किसी को। मैं आई, हमारा दूध तो पहले से ही लिया हुआ था, गाय का अभी नहीं आया है, भैंस का आ गया है तो ले लिया था। एंड अभी मैं इसको बॉइल कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है भाई, अपने घर में ना सारी ही चीज़ों की फैसिलिटी होती है। एंड सारी चीज़ों में क्या, आपको पता, रिक्शे वाले भैया भी अपने आप ही आ गए। हम लोग खेत में जा रहे थे, चलो भाई छोड़ देते हैं। एंड जो पैसे वगैरह भी, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत सारे देने हैं। तो भाई अभी क्या है ना, मैं आ गई हूँ, अब दिन का खाना बनाना है, क्या बनेगा पता नहीं। और खेत से आप देखो हम क्या क्या लेके आए थे। ये शहतूत लेके आए थे जिसे विश्व भी इंजॉय कर रहा है। एंड ये कच्चा टमाटर ले आई थी चटनी के लिए। ये सौंफ है और ये खेत के वो है गेहूँ। एंड ये है सरसों। एंड ये है ताजा ताजा पत्ता गोभी। ये नहीं, और ये है हमारे शैतान बच्चे हैरी को। देखो हैरी का ना मुंह भी वो हो गया है, कैसा लेके आऊंगा बताओ। काला काला कचौड़ी, कचौड़ी कचौड़ी ले आओ, खा लेंगे कचौड़ी। तो भाई खाना बनाएंगे बाद में, पहले सोचा कचौड़ी खा लेते हैं। कचौड़ी आ चुकी है गर्मा गर्म, और रश्मि जी ने इसको भगोने में कर दिया और इसको गर्म भी करके ले आए, और मतलब गैस पे। और अब हम एक एक करके कचौड़ियों को डालेंगे आलू के अंदर। तो मैंने तो इसको आलू के अंदर ऐड कर दिया। मेरे को तो यहाँ इस पत्ते में ना पसंद नहीं आता, ना खाना ना कोई चीज़। और आपको पता जब आप बाहर रहते हो ना, तो आपको ऐसे ही मिलता है, जैसे चाट के ठेले में हो गया। और मैं अब इसको इसमें ऐसे डाल दिया और फटाफट से। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे बिस्किट खाना है। अब मैं आ चुकी हूँ कचौड़ी खा के। तो यहाँ पे है ना, मैं हैरी की बोतल उबाल देती हूँ। और हैरी की बोतल के साथ ना एक सीन है, ये ढक्कन ना गल ही जाता है पता नहीं क्यों। तो ये हमने जलाया है, यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। गर्मा गर्म मैंने बनाई है चाय। एंड इसके ऊपर ना ढक्कन लग देते हैं जिससे आराम से बॉइल होता रहे। और ये चाय रेडी है, और आज हमारी बुआ भी आ चुकी है, आपको मिलवाते हैं बुआ से। चाय बनाने के बाद थोड़े से मेहमान और आ रहे हैं। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? आज हम आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा के लिए? मम्मा के लिए भी ले लेते हैं। चलो लाओ। और ये आइसक्रीम किसने दिलाई थी आपको? ये फूफा जी ने। किसने? फूफा जी ने। फूफा जी ने, चलो तो खाओ भाई। जस्ट नाउ आइसक्रीम खाई हमने, और यहाँ पे हमारे लिए आ चुके हैं ब्रेड पकोड़े। वाओ, किससे बनाए? मम्मी ने, थैंक यू। वाओ, ये तो गर्म है। ये वाला दे दो बेटू, लो चॉकलेट खाओ, वो आइसक्रीम खाओ। सो गाइस, आपको मैंने बोला था खाना बनाना है, पहले चाय हो गया, उसके बाद फिर
मेहमान और आ गए थे, आए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, तो चाय नाश्ता ऐसे ही चल रहा है, तो मेरा पेट, हमारा पेट भर गया था। उसके बाद हमने आइसक्रीम खा लिया एंड मैंने जैसे बोला थोड़ा लेट जाते हैं। और यहाँ पे भाभी हमारी ब्रेड पकौड़े बनवा के भिजवा दिए। उन्होंने पहले मुझे फ़ोन करा कि भिजवाना है या नहीं भिजवाना है, तो मैंने बोला सिर्फ एक खाऊंगी, बट उन्होंने दो भिजवा दिए। तो बस हमने खा लिया एंड जो चटनी थी ना, मैंने उनको बोला केचप नहीं भिजवाना, क्योंकि जो खस्ता आया था ना उसके साथ रेड वाली चटनी आई थी तो वो बची हुई है। अभी थोड़ा थोड़ा सा मैंने बाइट तो मार लिया है, बड़ा ही मतलब इतना गर्म और इतना टेस्टी लग रहा है ना, मज़ा ही आ गया। एक मैंने 10 मिनट के लिए बचा दिया है, तो अभी ना थोड़ा आराम कर रही हूँ, एक वीडियो एडिट कर रही हूँ, उसके बाद उठेंगे। और मैं फ्रेश सुबह हो गई थी, बच्चों को भी फ्रेश कर दिया था क्योंकि खेत में जाना था। तो इधर अश्मित जी सो रहे हैं, इधर हैरी सो रहा है, दिन के अभी 2:30 बज रहे हैं, तो खाना बनाना नहीं था, मैंने सोचा अब रात में ही बनाएंगे। और आइसक्रीम खा ली थी, अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। और ये घूंघट निकाल दिया क्योंकि अभी सोने का टाइम है, कोई नहीं आएगा। ये देख रहे इधर, ये माता श्री, इनके बर्तन धोने में लगी पड़ी हैं। और ये देखो पीछे चोरी कर रहा है, चोरी 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 नहीं कर रहा, ले ले अच्छा। अंगूर की अच्छा ले ले, दिखाओ, चोर 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 चोर। लाइट भाग गई है, इस चोर को अंगूर दे दिया है, ये चोर बोल रहा है मेरे से टूट नहीं रहे। हैरी नहीं दिखाओ, देखो नहीं टूट रहे, तोड़ दूं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, अभी ना क्या है, सो के उठ चुके हैं एंड सो के उठने के बाद ना मैंने घर पूरा क्लीन करा, और क्लीन करने के बाद मैंने थोड़े से ना बर्तन साफ़ करे, पूरा किचन साफ़ करने के बाद थोड़े से कपड़े मैंने ना भिगा दिए हैं, विशु को रेडी कर दिया है, हैरी को भी रेडी हमने किया था, पर लास्ट मोमेंट पे ना अटैची खोल के देखा तो डायपर ही ख़त्म हो गए। तो अश्विन जी गए हैं हैरी के लिए डायपर लेने, क्योंकि अभी हमें जाना है थोड़ा सा मार्केट का काम करने, और मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। एंड भाई जो घर का सुकून होता है ना अपने घर में सोने का, भाई कहीं नहीं है, रिलैक्स होके। आपको पता है मैंने बर्तन साफ नहीं करे, पूरा घर साफ नहीं करा, और मैं आराम से चिल मार के सो गई एंड अभी उठी हूँ 4 बजे, और बहुत ही मतलब रिलैक्स फील हुआ लेटने के बाद, किसी भी चीज़ की टेंशन ही नहीं, आराम से मैं सो गई। और अब मैंने बच्चों को रेडी वेडी करा है, अश्विन जी ने बोला वही बाहर चलते हैं एंड थोड़ा सा सामान वगैरह लाना है वो ले आते हैं। बस हैरी हमारे, देखो हैरी को ना मैंने ग्रैप्स दे दिए हैं खाने के लिए, कि भैया चलो, उन्होंने पॉटी कर दी ना, उनका डायपर वाइपर क्लीन करके, और कपड़े मैंने भिगा दिए, थोड़े कपड़े मैंने सुबह धोए थे एंड थोड़े मुझे अभी मार्केट से आने के बाद धोने हैं। तो हम पत्ता गोभी लेके आए थे, कुछ नहीं बनाया, ऐसे ही रखा हुआ है अभी, तो बस डायपर आता है उसको पहनाते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। आइए आपका डायपर आ गया। ये डायपर पहनोगे? डायपर, वाओ हैरी। हेलो, हो गए रेडी आप? हैरी कैसे? हैरी 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 देख, आता मती सटकली। चलो